आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे अलहजत कॉकर कैसे बना सकते हैं। ड्राइड बॉटल गार्ड विद चिकन, ये जो सूखी हुई लौकी होती है इसको चिकन के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इसको हम हॉट राइस के साथ सर्व करते हैं और काफ़ी ज़्यादा यमी बनती है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा सेम वे में और फीडबैक शेयर कीजिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर हमारे। तो इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे हमने यूज़ किया है ड्राइड बॉटल गार्ड या कश्मीरी में इसको अलहज बोलते हैं, ये 100 ग्राम हमने यूज़ की हैं। ये देखिए ऐसे आपको मिल जाएगी बाज़ार से। एक चिकन लिया हमने 1.5 किलो तक और मस्टर्ड ऑयल हमने यूज़ किया है ऑथेंटिक कश्मीरी कुकिंग के लिए। पहले आप डालेंगे हल्दी एक पैन में पानी में और इसमें जब उबाल आ जाएगा 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे आप और उबलते हुए हल्दी वाले पानी में हमें चिकन को बॉईल करना है। तो ये चिकन हमने वॉश करके रखा था, अब आप इसको हल्दी वाले पानी में एक उबाल लाएंगे ताकि ये पूरे तरीके से प्रॉपरली क्लीन हो जाए। ढक के इसको रखेंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा आप पानी फेंक देंगे और चिकन को निकाल के रखेंगे ड्रेन होने के लिए, पानी इसमें गिरेगा फिर फ्राई करेंगे हम ये। अब हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे एक पैन में और जब वो गर्म हो जाएगा स्मोक निकल जाएगी इसमें आप डाल दीजिएगा फिर जो हमने चिकन रखा था हल्दी वाले पानी से निकाल के। वो चिकन पीसेस को आपको अच्छे से हर तरह से फ्राई करना है। तो सारे चिकन पीसेस जब फ्राई हो जाएंगे फिर आप उनको सेपरेट प्लेट पर निकाल के रख दीजिएगा और जो ये तेल है मस्टर्ड ऑयल ये हम रीयूज़ करेंगे फर्दर कुकिंग के लिए। ये देखिए चिकन फ्राई हो गया है। अब हम लेंगे पहले एक पैन में पानी और उसमें डाल देंगे ये बॉटल गार्ड ड्राइड बॉटल गार्ड या इलायची। आपको इसमें हल्दी नहीं ऐड करना है, नॉर्मल पानी में इसको उबालना है 2 से 3, ये क्लीन हो जाएगी इससे प्रॉपरली। और फेंक देना है पानी और इलायची को निकाल के रख देना है स्क्वीज़ करके। अब हम लेंगे ये सेम मस्टर्ड ऑयल प्रेशर कुकर में, उसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा अगजियो चम्मच, दालचीनी की 1 स्टिक, 1 बड़ी इलायची अकबुडल, 3 लौंग रोंग, 3 से 4 छोटी इलायची निचल, फिर प्याज डाल दीजिएगा आप इसमें 1। इस प्याज डालना अच्छा हो जाता है कुकिंग के लिए क्योंकि इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा आपको तड़का का। तो प्याज फ्राई जब हो रहा होगा इसमें साथ में फिर हम ऐड कर देंगे इसमें जो हमने अलहज निकाल के रख दी थी पानी से निचोड़ के। वो ये देखिए ये जो ड्राइड बॉटल गार्ड या अलहज है इनको भी आपको प्याज के साथ भी फ्राई कर देना है तेल पे और साथ में आप डाल दीजिएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। और जब ये फ्राई हो जाएंगे अलहज और ये प्याज नमक भी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको उसमें पानी डाल देना है हल्का सा, पानी इसलिए ऐड करना है क्योंकि लाल मिर्च डालनी है हमें और वो जले ना। तो लाल मिर्च या वजल मर्च वागन डालना आपको 1.5 टीस्पून, फिर और पानी डाल दीजिएगा जब ये फ्राई हो जाएगी लाल मिर्च के साथ। तो ये देखिए फिर हम डाल देंगे इसमें फ्राइड चिकन। चिकन और अलहज को हम एक साथ फ्राई करेंगे थोड़ा सा, फिर डाल देंगे इसमें बाकी मसाले हल्दी अलहदर 1/2 छोटी चम्मच, फेनेसी पाउडर या बैजान 2 छोटी चम्मच और शोंठ या जिंजर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। तो ये बेसिक स्पाइसेस ऐड हो गए हैं। अब हम इन सारे स्पाइसेस को मिक्स करेंगे इस अलहज और चिकन के साथ। तो ये देखिए मिक्स हो गया है और इसके बाद हमें इनको अब पानी डाल देना है। पानी अब इतना डालेगा कि कवर करें अलहज और कॉकर को। तो इसको ये देखिए आप उबाल भी सकते हैं इसके बाद, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्रेशर कुकर की लिड क्लोज करके 3 से 4 विसल तक कुक भी कर सकते हैं। तो 3 से 4 विसल के बाद लिड ओपन करके चेक करेंगे और आप देख सकते हैं आपका अलहज कॉकर जो है वो तैयार है, ड्राइड बॉटल गार्ड विद चिकन। ये सेम रेसिपी आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये और काफ़ी पसंद करते हैं इसको लोग और यूनिक टेस्ट है इसका। तो इसको हम डिश आउट करेंगे। देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है मिर्ची को तेल पे जब हम फ्राई करते हैं, कितना अच्छा रेड कलर आया है। इसको गार्निश करेंगे हम आलमंड्स के साथ और कोरिएंडर के साथ। तो सेम वे में आप भी ये रेसिपी बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को कश्मीर फूड फ्यूजन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।